रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय शूटिंग टीम के मुख्य कोच मनोज ओहलियान का पेरिस से रोहतक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने 3 मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज ओहलियान ने कहा कि इस बार भारतीय शूटरों की तैयारी काफी अच्छी थी, लिहाजा उन्हें उम्मीद थी कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर इस बार कम से कम 6 मेडल अवश्य जीतेंगे, मगर उन्हें 3 ही मेडल मिले क्योंकि कई अन्य मुकाबलों में भारतीय शूटर बहुत थोड़े अंतर से अपना मैच हार गए। उन्होंने कहा कि अगर इन शूटरों की किस्मत साथ देती तो मेडल सारणी में भारत के कम से कम 6 मेडल अवश्य होते। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। की उम्मीद थी क्योंकि हमारी टीम का प्रिपरेशन पिछले 2 ओलंपिक से काफ़ी बेहतर प्रिपरेशन था, तो हमें 5-6 मेडल की पक्का उम्मीद थी। 3 मेडल आए हैं, 2-3 मेडल काफ़ी क्लोजली अनलकली मिस हुए हैं। अर्जुन बबूता का एंड स्कीट इवेंट में सिर्फ एक छोटा सा निशाना चूक होने की वजह से मिस हुए हैं, तो उम्मीद तो और भी ज़्यादा थी। जिस हिसाब से हमारा प्रिपरेशन चला हुआ था पिछले 6 महीने का, स्पेशली हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्लान किया गया था सभी के साथ मिलके, पूरी टीम के साथ मिलके, तो उस प्लान के हिसाब से पूरा प्रिपरेशन चल रहा था, सभी एथलीट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उसी प्रिपरेशन उसी परफॉर्मेंस के साथ हम पेरिस गए थे, तो उम्मीद और भी अच्छा थी। लेकिन पिछले 2 ओलंपिक को देख के जो शूटिंग इवेंट्स में मेडल नहीं आ रहे थे, तो पूरी जो कंटीजेंट था उसके ऊपर एक अलग से प्रेशर भी था, तो इस हिसाब से एक वो प्रेशर ख़त्म हुआ है अब की बार शूटिंग के 3 मेडल आने से, तो सभी कंटीजेंट पूरा खुश है। आगे जाके उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में हम इससे और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। प्रेशर भी नहीं थी, माहौल भी बहुत अच्छा था। ये तो एक किस्मत की बात है जी, ओलंपिक में जाके एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही एनर्जी लेवल होती है, तो वहाँ पे मिस करना लाइक 4th प्लेस पे रहना, 2-3 इवेंट्स में हमारे एथलीट्स 4th प्लेस पे रहे, तो ये तो मान सकते उस दिन शायद हमारा दिन नहीं था, उस पर्टिकुलर एथलीट का दिन नहीं था। वहाँ पे सभी एथलीट्स अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं, तो कई बार कुछ सरप्राइज भी होते हैं। कुछ एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था अदर कंट्री के, उन्होंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया, तो कुछ सरप्राइज भी थे वहाँ पे। तो हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही, एयर राइफल में बहुत अच्छा थे सभी के सभी एथलीट्स। 50 मीटर पे पहली बार इंडिया का मेडल आया है, ये हिस्ट्रिक मेडल है। 50 मीटर इवेंट 3 पोजीशन में, इससे पहले कोई फाइनल में भी नहीं गया था, और पहली बार सब में गया और फिर वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। उसका पर्सनली प्रिपरेशन मैंने देखा था, 50 मीटर का जो प्रिपरेशन था वो मेरे अंडर ही था, तो पहली बार वहाँ से मेडल आया है, तो काफ़ी खुशी की बात है। सभी गौरवंती है, स्पेशली जो स्मॉल बोर के शूटर हैं, 50 मीटर के शूटर हैं, वो हमें मिल रहा है। हमें और बेहतर की उम्मीद थी डेफिनेटली, तो लेकिन फिर भी कुछ आया हमारे पास, 3 मेडल आए हैं 2 ओलंपिक में नहीं आने के बाद, तो एक जो बैरियर था, एक जो प्रेशर था शूटिंग कंटीजेंट पे, अगले ओलंपिक में शायद ऐसा कुछ फील नहीं होगा हमें, और हम और अच्छा बेहतर करने को कर पाएंगे वहाँ पे। शायद ये पहला ओलंपिक है जब शूटिंग का इफेक्ट क्या देखते हैं आप? नहीं, इसका इफेक्ट देखेंगे हिंदुस्तान में शूटिंग फैमिली, मेरे को लगता है और बूस्ट मिलेगा एंड शूटिंग के लिए, और काफ़ी वैसे सुविधाएं अभी भी बहुत हैं, गवर्नमेंट ने बहुत दिया है। अब की बार अगर मैं एक बात यहाँ पे बोलूँ, गवर्नमेंट की तरफ से जब भी हमने अप्रोच किया कि हमें सोनचो कैंप चाहिए, सोनचो टेक्निकल कैंप चाहिए, सोनचो एमिनेशन सिलेक्शन कैंप चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी ना नहीं हुई। जो भी हमने, हमें लगा कि हमें एथलीट्स को देना चाहिए, हमने गवर्नमेंट से अप्रोच किया, फेडरेशन से अप्रोच किया, तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा। तो फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिली, अब की बात सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी, तो आने वाले टाइम में ग्रास रूट पे मेरे को लगता है ऐसी कुछ सुविधाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो सुविधाएं थी एक जो हमारे टॉप लेवल के एथलीट्स हैं उन सब के लिए थे, तो धीरे धीरे जैसे शूटिंग को अभी बूस्ट मिला है मेडल से, तो मेरे को लगता है ग्रास रूट पे भी ऐसी कुछ सुविधाएं हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो ओलंपिक में जाने से पहले आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, तो आप लोगों की बातचीत भी हुई होगी उनसे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या उन्होंने आप लोगों को कहा था उसमें? नहीं, हमें काफ़ी मोटिवेट मिला प्रधानमंत्री की बातों से। उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे, जो सफल होते हैं वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते, और जो पहले ही एक्सक्यूज़ ढूंढने लग जाते हैं उनके सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो काफ़ी मोटिवेशन टॉक रही थी हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ, सभी एथलीट्स काफ़ी कुछ थे उनसे मिलकर, कुछ एथलीट्सों की 1-to-1 टॉक भी हुई थी। तो लाइक प्रधानमंत्री पर्सनली बहुत से एथलीट्स को जानते थे, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या उनकी खासियत है जानते थे, तो प्रधानमंत्री का इतना क्लोज एथलीट्सों के साथ जुड़ना एक एथलीट को काफ़ी उत्साह देता है।
तो हो सकता है कि जितने गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने मेडल लिए हैं ओलंपिक में एक बार से भी एथलीट्स को बुलाया जाए पीएम के उसमें, तो आप लोगों को क्या कहना रहेगा उनको? नहीं, अभी है पीएम के साथ हमारा, प्रधानमंत्री जी के साथ अभी हमारा फंक्शन होने वाला है, आई होप बहुत जल्दी ही पता चलेगा मीडिया में। तो जो भी कंटिजेंट है पूरा इंडिया का जो ओलंपिक पेरिस में गया था, तो उन सभी को एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे, फिर अपना सभी का हौसला अफजाई करेंगे, जो जीत के आए हैं उनको मुबारकबाद देंगे, जो थोड़ा सा रह गए जीतने से उनका हौसला अफजाई करेंगे। तो ऐसी कुछ उम्मीद है हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से। हाँ जी, लोग क्या मैसेज लेके जाएंगे उनके लिए? हमारी तरफ से तो बस ऐसी गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती रहे, हम आगे जाके और अच्छा करेंगे। तो शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या और क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स और लेने चाहिए? जी, शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हम एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए थे शूटिंग में, और स्पेशली अगेन मैं 50 मीटर की बात करना चाहूँगा, हम वहाँ पे 6 मेडल जीत सकते थे मैक्सिमम, और हमने वहाँ पे 5 मेडल जीते, तो हमारी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी रही थी एशियन गेम्स में। तो मेरे को शूटिंग कंटिजेंट की तरफ से बोलने का मौका मिला था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब वहाँ पे थे, तो उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था, सर हमारी जो शूटिंग रेंज है करणी सिंह शूटिंग रेंज, वैसे तो अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, लेकिन बहुत जगह अपग्रेडेशन हो गया है, तो अगर आप इसका भी अपग्रेडेशन करा दें तो आने वाले टाइम में हम शूटिंग को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो उन्होंने सेम टाइम, खुशी की बात थी, सेम टाइम पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय अनुराग ठाकुर जी थे उस टाइम पे, उन्होंने अप्रूव किया, और बहुत जल्दी अभी सुनने को मिल रहा है कि हमारी रेंज अपग्रेडेशन हो रही है। तो ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम गवर्नमेंट को फेडरेशन के थ्रू प्रोसेस करते हैं, और हमें अप्रूवल मिल जाता है बहुत जल्दी। तो ऐसी कुछ डिमांड स्पेशल शूटिंग के लिए गवर्नमेंट से रहेगी, मेरे को लग नहीं रहा जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट से कभी भी हम मांगते हैं तो हमें पूरा मिल जाता है वहाँ से। बड़ी संख्या में बच्चे शूटिंग में अपना भाग्य आजमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या संदेश है उनके लिए, कैसे वो अपने आप को ग्रोन कर सकते हैं? देखो जी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क, ईमानदारी के साथ हार्डवर्क, एंड शूटिंग में पेशेंस, एक वर्ड जैसे मैंने अभी स्वप्निल के लिए यूज़ किया, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सभी बच्चों से यही होगी कि अपना डिसिप्लिन में रह के हार्डवर्क करते रहें, ईमानदारी के साथ हार्डवर्क करते रहे, एंड पेशेंस रखें, सफलता जरूर मिलेगी सभी को। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।